1971 में विदाई का अपना संदेश दिया, उसके बाद एक छोटा सा पत्रक निकाला और निकाला, उसमें लिखा कि शांति कुंज की स्थापना के पीछे मेरे मन में क्या भाव है। और शांति कुंज क्या, उसको गायत्री परिवार कह लीजिए, उसको युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान कह लीजिए, शांति कुंज तो स्थान का नाम है पर उसके पीछे की जो विचारधारा है वो देवी है, उसके पीछे का जो स्रोत है वो दिव्य लोकों से निकल करके आता है। तो उसके पीछे गुरुदेव के मन में क्या भाव था, तीन चार बातें उनने कही और उन बातों को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, इस भाव के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सही कहूँ कि अपने जितने हम लोगों के युवा भाई हैं उनसे हृदय से प्रेम करता हूँ और मन में ये भाव है कि कोई भटक न जाए। गुरुदेव ने जो सोच रखी थी वो हम में से हर एक के हृदय में गहराई से अंकित हो जाए। उसको श्रेय करने का पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं क्या जानता हूं, ये बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं भाई होने के नाते कि गुरुदेव ने क्या कह करके इस शांति कुंज की गायत्री परिवार की स्थापना करी। पहला, गुरुदेव ने उसमें लिखा था कि हमारा संगठन वो संगठन होना चाहिए जो मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण कर सके, अंदर से व्यक्ति को बदल सके, बाहर से नहीं अंदर से बदल से। दो शब्द हिंदी में आते हैं, आकृति और प्रकृति। आकृति की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, बाहर से देखने की दृष्टि से गुरुदेव में और जरासंध में अंतर नहीं है, कंस में अंतर नहीं है, वही दो आंख हैं, वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं। प्रकृति बदल गई है, एक के अंदर देवता आ गए, एक के अंदर ऋषि आ गए, एक के अंदर भगवान आ गए और एक के अंदर राक्षस आ गया। आकृति की दृष्टि से विवेकानंद में और हिटलर में अंतर नहीं, देखने में वैसे ही इंसान की आकृति। प्रकृति बदल गई, चेतना बदल गई, अंदर से व्यक्ति दूसरा हो गया है, अंदर से उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसके जीवन जीने का तरीका, उसकी जीवन शैली, उसके जीवन के उद्देश्य, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण सब बदल गए। और यदि आदमी वहां से बदल जाता है दोस्तों तो पूरी तरह से बदल जाता है। मनुष्य के जीवन का विस्तार बाहर से नहीं आता, यदि हमारे अंदर अध्यात्म आएगा तो दो हाथ दो पैर ऐसा नहीं हो जाते, पर आदमी की चेतना ऊपर हो जाती है, आदमी की उद्देश्य ऊंचे हो जाते हैं, आदमी के सोचने का तरीका महान और विशाल हो जाता है, उसके अंदर एक व्यापकता, उसके अंदर एक सोच के अंदर पैनापन आ जाता है, और इसका नाम है आदमी की चेतना का रूपांतरण। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।